सत्ताधारी की पार्टी की इतनी औकात नहीं है कि जो उनके उनको वो टच भी कर सके, सलमान हजारी जी को, हाँ उनको टच भी कर सके, क्योंकि देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट जिंदा है तो ये तो है नहीं उन्होंने कोई गलत बयान देखा। मैंने भी पूरी वीडियो देखी, पूरी वीडियो में ऐसा कोई वाक्य नहीं बोला है। तो उनकी इतनी औकात नहीं है, जो उन धर्म गुरु जी हैं उन पर टच भी कर सकते हैं। हाँ हो सकता है वो आपको उनको कई महीनों तक कई सालों तक परेशान कर सकते हैं, मगर उनके उनका ना बाल भी बाका नहीं कर सकते। वो सलमान हजारी जी का वो बाल भी बाका नहीं कर सकते। इतनी शोर तरीके से बोल रहे हैं, इतने हिम्मत से बोल रहे हैं। देखिए हमने पूरी उनकी वीडियो देखी है, पूरी वीडियो में हमें ऐसा कोई वाक्य नहीं लगा कि उन्होंने कुछ गलत बोला हो। और रही बात अगर उनके ऊपर आंच भी आई ना, तो ये सत्ताधारी पार्टियों का ना हम यहाँ से भारत से खदेड़ने का काम कर देंगे। सलमान हजारी जी के लिए इतनी बात कह रहे हैं। आपको बता दें जो मुस्लिम धर्म गुरु है मुफ्ती सलमान हजारी की गिरफ्तारी होने के बाद पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। बहुजन समाज से बहुत सारे लोग आए उनके समर्थन में और संगठन भी आए। कुछ सामाजिक संगठन बोल रहे हैं कि जो उन्होंने बयान दिया है वो हेट स्पीच नहीं है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए त्रिलोक जी हैं, भीम आर्मी से हैं। और आपको एक और बात बता दें, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने भी मुफ्ती सलमान हजारी के समर्थन में ट्वीट किया और कहा कि हम उनके साथ हैं। चलिए बात करते हैं, त्रिलोक जी है भीम आर्मी से। देखिए वो वीडियो मैंने पूरी तसल्ली पूर्वक वो वीडियो पूरी देखी मैंने, उसके अंदर ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है जो किसी भी धर्म और किसी भी जाति को आहट पहुंचाता हो। और रह गई अगर बात कहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत शब्द का प्रयोग करा है, तो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनको मंदिर में जाने से रोक लिया गया था, उन पर कोई FIR नहीं की। क्यों नहीं की गई? क्यों? क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो नहीं चाहती हैं है? हमारे जो देश के इतने बड़े पद पे बैठी हुई हैं उनको अगर मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता तो तुरंत FIR करनी चाहिए थी। सलमान हजारी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन सलमान हजारी क्या लग रहा है आपको, नफरत फैला रहे हैं क्या? जिस तरह से वो भरी सभा में बोलते हैं आज कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा, इसको लेकर हिंदूवादी संगठन बोल रहे हैं देखिए ये हिंदुओं का अपमान है। देखिए अगर उनको नफरत ही फैलाना होता तो लाखों करोड़ों की जनसंख्या में लोग जब पहुंचे थे तो उन्होंने ही लोगों से रिक्वेस्ट करके बोला कि आप पुलिस प्रशासन की मदद कीजिए, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि कन्वे पुलिस प्रशासन के खिलाफ हो। तो आप सोच ही सकते हो कि वो अगर इंसान अगर ऐसे ही चाहता तो वो इंसान उस टाइम दंगे भी करा सकता था। उसने नहीं कहा है ना कि उन्होंने कहा कि भारत में सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो आप सोच ही सकते हो कि ये तमाम जो पार्टियां हैं, सत्ताधारी लोग हैं और तमाम जो मूर्ख बिल्कुल अखंड मूर्ख लोग हैं वो ये चीज़ फैलाने में लगे पड़े हुए हैं कि उन्होंने एक जाति एक धर्म के नाम पे गलत बोला। अरे पहले मूर्खों पहले वीडियो तो देख लो पूरी, और लोगों को आप पागल बना रहे, भारत की जो जनता उनको पागल बनाने का काम कर रहे हैं आप। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहे हैं कि हम पूर्ण समर्थन करेंगे हजारी जी का, क्या नहीं लग रहा है कि चंद्रशेखर भी उसी दरिया में बह रहे जिस दरिया में मुफ्ती साहब बह रहे हैं? देखिए जो चंद्रशेखर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके साथ भी तमाम उन्होंने 16-16 महीने जेल काटी। किस लिए काटी? खामखा जेल काटी उन्होंने, उनके ऊपर भी तमाम आरोप लगे। उसके बाद क्या हुआ? उनको रिहाई मिली ना। तो यही चीज़ें हैं कि जो भी इंसान अपने कन्वे लोगों के लिए हित में बातें करता है तो उसके ऊपर आरोप लगते हैं, और आप सोच ही सकते हो ये आरोप लगना आम बात है। और ऐसा नहीं है कि भाई जो धर्म गुरु हैं उन्होंने कुछ गलत बोला उनको। आपने वो वीडियो देखी? हाँ। वो क्या बोला उस वीडियो में उन्होंने? उस वीडियो में उन्होंने बोला है कि भाई कुत्तों का दौर है, हमारा भी वक्त आएगा। तो उसमें ऐसा कोई किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी जाति का नाम नहीं लिया। तो FIR ऐसी होगी? अच्छा FIR ऐसी होगी क्योंकि बोला जा रहा देखिए इसमें धर्मवाद फैला गया है इसलिए FIR दर्ज हुई है। देखिए अब FIR में जो सत्ताधारी पार्टियां बैठी हुई हैं वो कुछ भी कर सकती हैं। आप देख सकते हैं अगर एक संविधान को लेके देखा जाए जो उन्होंने शब्द बोले उस पूरी कन्वे सभा में, जो उन्होंने वाक्य बोले उसके अंदर ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे उनके ऊपर FIR बनती हो, मगर तो भी FIR हो रही है। तो कहीं ना कहीं भारत में एक तानाशाही का माहौल पैदा कर रहे हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि आप जितना भी कुछ कर लो हम अपनी तानाशाही करेंगे, अभी हमारा समय है तो हम अपने हिसाब से समय चलाएंगे। बीजेपी ऐसा करवा रही है? तो बीजेपी ही करा रही, सत्ता पार्टी कौन है, सत्ता में पार्टी कौन है? बीजेपी है तो बीजेपी ही करा रही है।
क्या सेट करना चाहती है ऐसे मतलब FIR दर्ज करवा के, जो आप बोल रहे हैं कि एक पार्टी जो केंद्र में है वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, यही आरोप लगा रहे हैं? देखिए माहौल को हमेशा उन्होंने माहौल को खराब ही करा है, हमेशा उन्हें हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए हैं और उसमें मरता कौन है, आप जनता मरती है हिंदू मुस्लिम के मध्य में। इन्होंने लोगों को कानों में ऐसे भर दिया है हिंदू मुस्लिम कि आज के टाइम में कोई एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। कहाँ वो 5-7 साल पहले लोग आपस में सारे त्यौहार को आपस में मनाया करते थे, मगर आज उनके मनों में इतनी नफरत भर गई है, इतनी चीज़ें तमाम चीज़ें हो गई हैं कि आज वो इंसान एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। तो ये सत्ताधारी जो पार्टी है, जो BJP पार्टी है और ये RSS है, इनका काम सिर्फ एक ही है, लोगों को आपस में भड़काया जाए और खून की राजनीति खेली जाए। इनको लोग मरते हैं, भारत की कई लोग मरते हैं, कई जनसंख्या मरती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इनका एक ही मकसद है, इनको किसी तरह सत्ता में आना है। हजारों लोग मरेंगे, हजारों सैनिक मरेंगे और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि 2024 में जब इनका इलेक्शन होएगा तब भी लाखों लोग मरेंगे, क्योंकि इनकी जो ये नीति है ना हिंदू मुस्लिम वाली, जो ये लोगों को लड़वा लीजिए, मुफ्ती सलमान अजहरी नहीं छूटते तो भीम आर्मी क्या जिस तरह से प्रदर्शन करती है उसी तरह से प्रदर्शन करेगी क्या? क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बोल चुके हैं सलमान अजहरी जी के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो करेंगे। देखिए सत्ताधारी की पार्टी की इतनी औकात नहीं है कि जो उनके उनको वो टच भी कर सके सलमान अजहरी जी को, हाँ उनको टच भी कर सके, क्योंकि देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है तो ये तो है नहीं उन्होंने कोई गलत बयान देखा, मैंने भी पूरी वीडियो देखी, पूरी वीडियो में ऐसा कोई वाक्य नहीं बोला है, तो उनकी इतनी औकात नहीं है, जो उन धर्म गुरु जी हैं उन पर टच भी कर सकते हैं। हाँ हो सकता है वो आपको उनको कई महीनों तक कई सालों तक परेशान कर सकते हैं, मगर उनके उनका ना बाल भी बाका नहीं कर सकते, सलमान अजहरी जी का वो बाल भी बाका नहीं कर सकते। इतनी शोर तरीके से बोल रहे हैं, इतने हिम्मत से बोल रहे हैं। देखिए हमने पूरी उनकी वीडियो देखी है और पूरी वीडियो में हमें ऐसा कोई वाक्य नहीं लगा कि उन्होंने कुछ गलत बोला हो। और रही बात अगर उनके ऊपर आंच भी आई ना, तो ये सत्ताधारी पार्टियों का ना हम यहाँ से भारत से खदेड़ने का काम कर देंगे। सलमान अजहरी जी के लिए इतनी बात कह रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी सलमान अजहरी जी के लिए नहीं, कोई भी भारत का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी महिला हो या कोई भी पुरुष हो, अगर किसी के साथ गलत होएगा तो उसके लिए हम हमारी भीम आर्मी हमारे चंद्रशेखर आजाद हमेशा खड़े रहे और हमेशा खड़े रहेंगे। आपको पता है कि अब 2024 का चुनाव है, तो 2024 में ये अपनी सत्ता कायम करने के लिए ये दंगे करवाएंगे और हो सकता है कि ये हमारे जो सैनिक है उनके साथ भी कुछ ऐसी घटना करा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने ऐसा ही कराया था। और ये तमाम इनकी ऐसी घटनाएं आती रहती है कि ये लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं और आपस में भिड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि आज से 7 साल पहले ऐसा नहीं था कि कोई भी हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहा था, मगर आज हिंदू मुस्लिम के साथ के नाम पे लड़ाइयाँ कराई जा रही है। तो ये आप सोच सकते हो, ये जो राजनीति पार्टी है, जो सत्ता में पार्टी बैठी हुई है, इन्हें ना हिंदू से मतलब है ना इन्हें मुस्लिम से मतलब है। वक्त आने पर ये अपनों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो बात रही हिंदू की और बात रही मुस्लिम की, इनको हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने भारत के सभी साथियों से कि ऐसी पार्टी, ऐसी सत्ताधारी पार्टियों को जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपको लड़ाए, ऐसी पार्टी को उखाड़ के फेंक देना चाहिए।